ट्रुएंसी वर्सिज डेली वेन वी टॉक अबाउट द ट्रुएंसी दैट्स मीन दट द चाइल्ड इज्किपिंग द स्कूल विदाउट हैविंग एनी वैलिड रीजन ठीक है यानी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा जबकि उसके पास कोई वैलिड रीजन उसकी नहीं है वाइल इन डेलिकुएंसी द चाइल्ड विल एंगेज इन सर्टन टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्ट विच आर अगेंस्ट द लीगल लॉज एंड द कल्चरल नॉर्म्स ठीक है यानी बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा जो कि लीगली अप्रूव नहीं होंगी और जो कल्चरल नॉम के अगेंस्ट जाएंगी तो ट्रुएंसी के अंदर एक बिहेवियर है जो है स्किपिंग ऑफ स्कूल जबकि डेली क्वेंसी के अंदर मल्टीपल लीग बिहेवियर्स हो सकते हैं जो कि क्रिमिनल एक्ट्स हो सकते हैं मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे शॉपलिफ्टिंग कर सकते हैं कोई चीज़ चुरा सकते हैं किसी का टॉय उठा सकते हैं कोई आ, कहीं पे जाकर चोरी कर सकते हैं आ, कोई बड़ा क्रिमिनल एक्ट कर सकते हैं फ्रॉड कर सकते हैं मर्डर कर सकते हैं तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं जो के लीगली अप्रूव्ड नहीं है जब वो माइनर्स करते हैं माइनर्स मीन जब वो बच्चे करते हैं तो वो डेलीकुन बिहेवियर कहलाते हैं और जब बच्चे यानी चिल्ड्रन या एडोलसन स्कूल नहीं जाते या स्कूल को स्किप करते हैं तो उसे ट्रुवेंसी कहते हैं ये टर्म्स आपको आमतौर पर लिटरेचर में वाइस वर्षा मिलेंगी उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि ये कहा जाता है कि जो ट्रुवेंसी है वो प्रडिक्टर है डेलीकुंट बिहेवियर की ठीक है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे या वो एडोलसन जो ट्रुवेंसी Uh, का बिहेवियर एग्जबिट करते हैं इट मोर लाइकली कि वो डेलिक्वेंट बिहेवियर्स भी एग्जबिट करें ठीक है तो दैट्स uh, वाई कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये साइमल्टेनियसली आती हैं और इनका जो डिफरेंस है उनको अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है कि कब आप एक बिहेवियर को ट्रेंसी कहोगे और कब आप एक बिहेवियर को डेलीकुंसी कहोगे थैंक यू